यहाँ देख सकते हो ये सब बातें मैंने कर ली हैं कि डीरैम की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है, इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, ये लेस एक्सपेंसिव होती है, हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, पावर कंजम्पशन लेस होती है। SRAM की बात करें तो वो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करता है, इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती, फास्टर डेटा एक्सेस होता है। और उसके बाद CPU मेमोरी कैशे, ये पॉइंट याद रख सकते हो, ये मैच वैच करने के लिए आ जाते हैं कि CPU मेमोरी कैशे मेक यूज़ ऑफ SRAM, तो SRAM का इस्तेमाल जो है वो मेमोरी कैशे करती है, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी। ऊपर उसने क्या बताया कि भाई DRAM जो होती है वो कंप्यूटर में जो कॉमन चीज़ होती है वो DRAM होती है, लेकिन जहाँ आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है CPU मेमोरी कैशे वगैरह में, तो SRAM जो है फिर वहाँ इस्तेमाल हो जाती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि मेमोरी कैशे इज हाई स्पीड पोर्शन, मेमोरी ये तो हो गया ना, मेमोरी कैशे इज हाई स्पीड पोर्शन ऑफ मेमोरी, जो SRAM की बात कर रहा है कि स्टेटिक रैम इस्तेमाल होती है, तो फिर वहाँ पे कैशे की वजह से इसका इस्तेमाल करना होता है, तो SRAM यहाँ इस्तेमाल होता है। और फिर आ जाते हैं टूवर्ड्स द रैम एंड रोम, रैम एंड रोम हम देख चुके हैं, तो रैम एंड रोम के अंदर क्या देखा हमने, वही कि रैम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट है, उसके कंटेंट जो है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, और दे आर ऑफन यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट द कंप्यूटर नीड टू एक्सेस व्हेन पावरिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। ये रॉम है, इसकी भी पिक्चर ले लो आप लोग, इसकी पिक्चर ले सकते हो। तो रैम पे तो हमने बात कर ली थी काफ़ी सारी ना, टेम्परेरी होती है रैम, वॉलेटाइल होती है, कैन बी रिटर्न टू और रीड फ्रॉम, राइट भी कर सकते हो उसमें और रीड भी कर सकते हो, ठीक है, और कैन बी इंक्रीज इन साइज, रैम का साइज बढ़ा सकते हैं, मैंने ऑल्टरेबल बताया था आपको, और परमानेंट मेमोरी है, ठीक है ना, और नॉन वॉलेटाइल है, डाटा स्टोर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जो डाटा स्टोर होता है उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, ऑलवेज यूज टू स्टोर बायोस, बायोस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट है। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो ये है कि एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ रॉम, अजान मुझे 1 से 2 मिनट दे दो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सवाल भी आता है कि रैम एंड रॉम कौन सी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं, आपके जो टॉय कार्स हो गए, ठीक है, तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो रैम एंड रोम का इस्तेमाल करती हैं। वॉशिंग मशीन है, उसमें रैम एंड रोम इस्तेमाल हो सकती है, एसी है, उसमें रैम एंड रोम इस्तेमाल हो सकते हैं, ये जो आपका वैक्यूम क्लीनर है इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कह रहा है कि रैम एंड रोम मिला के डबल ई प्रॉम नहीं है, इसमें डबल ई प्रॉम नहीं है, तो अब इसमें ये बता रहा है कि एग्जाम, बल्कि डबल ई प्रॉम है, डबल ई प्रॉम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो फ्लैश ड्राइव है ना वो पार्ट है इसका, ठीक है, वो है, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो कहता है कि ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे रैम एंड रोम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल कार है, उसमें ऐसा सर्किट होता है जिसमें रैम एंड रोम दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे होते हैं कि जब आप वो गाड़ी, अब देखो रैम का, रोम का मतलब है कि उसमें स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होंगी, यानी जब गाड़ी चलेगी, गाड़ी का बटन ऑन करोगे तो उसमें से कोई म्यूजिक प्ले होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो फिक्स रूटीन है, फिक्स का मतलब है हर बार वैसा ही होगा। तो रोम में उसकी फैक्ट्री सेटिंग्स होंगी, जैसे इसकी रिमोट कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी, नंबर वन, स्टोरिंग द स्टार्टअप रूटीन व्हेन टॉय कार इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन, आपने पहली दफा गाड़ी स्टार्ट की तो म्यूजिक प्ले हो रहा है, या वो गाड़ी से जो है ना वो कोई रोबोट में कन्वर्ट हो रही है, ये फिक्स रूटीन है, ये हर बार ऐसे ही होगा, इसलिए रोम है। और स्टोरिंग द सेट रूटीन, फॉर एग्जाम्पल हाउ द बटन ऑन द हैंडहेल्ड डिवाइस कंट्रोल टर्निंग लेफ्ट एक्सेलरेशन स्टॉपिंग एंड सो ऑन, उसको आगे पीछे जाना, ये सब चीजें, तो फिक्स इंस्ट्रक्शंस तो रोम में आ गई। रैम के अंदर क्या होगा, द यूजर में विश टू प्रोग्राम इन देयर ओन रूटीन, अब जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, या आप जो रिमोट कंट्रोल से फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, क्योंकि वो चेंज हो सकती है ना, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी जा रही है, तो वो सारी की सारी चीजें रैम में आएंगी, और रैम चिप विल स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल। तो ये सवाल एक बार आया हुआ है कि भाई, अब यहाँ नीचे भी एक्टिविटी में देखो, क्यों कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब करो रैम एंड रोम किस तरह माइक्रोवेव ओवन में, रेफ्रिजरेटर में,
इस्तेमाल होते। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपने देखा होगा, जो स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन है उसमें आपने देखा होगा कि बटन बने होते, कॉफी का बटन बना हुआ है, आपने सिर्फ बटन दबाना है ऑटोमेटिकली जो है ना वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी, चाय गर्म करना है, पानी गर्म करना है, कुछ भी करना है। तो कुछ स्मार्ट ओवन आते हैं जिसमें ना सिर्फ एक बटन बना हुआ होता है, आपको वो बटन दबाना होता है। यानी अगर केक बनाना है तो केक बनाने के लिए सिर्फ केक का बटन बना हुआ, उस पर आपने प्रेस करना है। आगे आपने ना उसका कुकिंग टाइम सेट करना है, ना कुकिंग टेम्परेचर, ना उसका ड्यूरेशन, ना उसकी फ्लो। जैसे जो बेकिंग करते हैं तो उन्होंने देखा होगा भाई, बेक करने के लिए कुकिंग टाइम सेट करना होता है कितनी देर, कुकिंग टेम्परेचर सेट करना होता है कितना टेम्परेचर है, कुकिंग डायरेक्शन होती है कि जो उसको हीट पहुंचनी चाहिए वो अप से पहुंचे, डाउन से पहुंचे, लेफ्ट से पहुंचे, राइट से पहुंचे। तो ये सारी चीजें जो है वो माइक्रोवेव ओवन में होती है। तो अगर आप मैन्युअली माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपने टाइमर सेट कर दिया, टेम्परेचर का सेट कर दिया, तो वो तो सबका सब रैम में जाएगा, क्योंकि रैम तो जो है ना वो चेंज होता रहता है ना। आपने रैम में 30 मिनट भी सेट कर दिया, 40 भी सेट कर दिया, तो ये सब चीजें रैम में जाएंगी। रोम में क्या जाएगा, रोम में जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ऊपर से जाना चाहिए या लेफ्ट से जाना चाहिए या राइट से जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपको एग्जाम्पल एप्लीकेशन वो दे दे और आपसे पूछे कि बताओ उसमें रैम एंड रोम कैसे काम करेंगे, तो आप बता सकते हो कि रैम में तमाम वो चीजें जाएंगी जो करंटली बींग प्रोसेस्ड होंगी, जो चेंज होती रहेंगी, ऐसा तमाम डाटा जो चेंज हो रहा होगा, और रोम में वो तमाम चीजें जाएंगी जो फिक्स होंगी। पॉइंट क्लियर है ये वाला रैम एंड रोम का? अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। सेकेंडरी स्टोरेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क है और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो और ऑप्टिकल भी है, ठीक है। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की जब हम बात करेंगे ना, हार्ड डिस्क के तीन चार पॉइंट याद रखना। एक तो ये कि सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली डिवाइस जिसमें डाटा डाला जाता है वो हार्ड डिस्क है, उसकी वजह उसके साइज है। एक तो सस्ती भी है, आराम से 1,000 रुपए के अंदर आपको 40 GB 80 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, तो ये फायदा है। अभी जो मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, अगर आप पिक्चर लेना चाहो तो मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि जैसे आपने ओलंपिक के ट्रैक देखे होंगे ना, इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखो तो इसमें कह रहा है कि ट्रैक्स और सेक्टर है। ट्रैक्स का मतलब है ये जो पूरा एक सर्कल है ना जो रेड हुआ हुआ है, इसको ट्रैक कहते हो। और सेक्टर क्या है, ये जो यहाँ से मेरा कर्सर जा रहा है ना, जैसे पिज्जा का स्लाइस है ये वाला हिस्सा, इस पूरे को आप सेक्टर कहोगे, और जो सर्कुलर सारी चीजें हैं वो ट्रैक्स हैं। तो एक तो ये याद रखोगे। अब आप याद क्या क्या रखोगे, पॉइंट्स देखना। हार्ड डिस्क में प्लेटर्स होते हैं जो 7,000 टाइम्स 1 सेकंड में हार्ड डिस्क के प्लेटर्स मूव करते हैं, यानी 7,000 दफा हार्ड डिस्क के प्लेटर मूव कर सकते हैं 1 सेकंड में, यानी इतनी तेजी से चलते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये प्लेटर क्या होता है, तो अब ये प्लेटर कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाऊं। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूं, स्क्रीन शेयर हो रही है? तो ये स्क्रीन अगर आप देखो तो ये इनसाइड द हार्ड डिस्क है, ये प्लेटर्स हैं, मेटालिक प्लेटर्स, ये एक नहीं तीन तीन होते हैं एक हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क जब चलती है तो चलते हुए जो उसकी मूवमेंट होती है वो बता रहे हैं 7,000 टाइम्स सेकेंड तक होती है। फिर उसमें ये भी बता रहा है कि उसमें रीड राइट हेड होते हैं। The hard drives and the main storage device. अब मैं ये जरा देखो, अगर आप इसको तो वो उसके इनसाइट्स बताएगा कि एक हार्ड डिस्क जब चलती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आरेंट हार्ड ड्राइव्स लाउड? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाउड, कि ये आवाज करती हैं? अब देखो ये दिखा रहे हैं कि ये हार्ड डिस्क है, ये खुलेगी, इसके अंदर से आप देखोगे कि इसकी प्लेटर्स होंगी, प्लेटर्स मूव करेंगी। हाँ, नॉइस तो क्रिएट करती है क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट है ना, किसी भी चीज की मैकेनिकल मूवमेंट होगी तो वो नॉइस तो करेगी। ये देखो ये खुला, इसमें देखो 1 2 3, अगर आप गौर से देखो ये जो प्लेटर है इसके नीचे भी एक प्लेटर है, ये देखो ये आ गए, ये प्लेटर हो गए, ये प्लेटर मूव करेंगे, इसमें एक रीड राइट हेड आएगा, ये जो राइट साइड पे है। ये रीड राइट हेड क्या करता है, रीडिंग ऑफ राइटिंग ऑफ डाटा करता है। ये सेंटर ऑफ द डिस्क से लेके एज ऑफ द डिस्क तक 50 टाइम्स अ सेकंड मूव करता है, ये देखो ये मूव कर रहा है। तो
तो ये सेंटर से लेके यानी सेंटर से यहाँ तक 50 टाइम्स अ सेकेंड मूव कर रहा होता है। तो ये हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है, ये मूव करता रहेगा। तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं, पिक्चर जरूर याद से ले लो इसकी ताकि मैं इसको एलेबोरेट पूरा कर लूँ। हाँ, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ये आ गया, तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ रीड राइट हेड कैन एक्सेस ऑल द सरफेस ऑफ द प्लेटर, ये दूसरी बात आ गई। रीड राइट हेड इतना मूव तेजी से कर रहा होता है कि वो सेंटर ऑफ द डिस्क से एज ऑफ द डिस्क तक 50 टाइम्स अ सेकेंड जाता है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस इन सेक्टर एंड ट्रैक्स, डाटा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है और वो फिर फिक्स्ड होते हैं। अफेक्ट ऑफ लेटेंसी, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हो और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, आपके सामने एक खाना मौजूद हो और दूसरी तरफ दूसरा कोई डिश मौजूद हो, तो आपको अगर दूसरी डिश चाहिए होगी तो आप उस टेबल को थोड़ा सा मूव करोगे। अगर रोटेटिंग डाइनिंग टेबल है तो आप उस डिश के लिए उस डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा रोटेट करोगे। इसका मतलब है आप किसी भी सडन डिश को उठाने के लिए आपका जो एक्सेस टाइम होगा वो अलग अलग होगा। अगर आपके सामने वो डिश होगी तो आप तो फौरन सामने से उठा लोगे, लेकिन अगर वो डिश जो आप चाह रहे हो वो अगर बैक साइड पे हुई आपके डिश के, तो आपको उसको घुमाना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ है जिसमें कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ लेटेंसी देन बिकम वेरी। अब लेटेंसी क्या है? लेटेंसी इज डिफाइंड एज टाइम इट टेक फॉर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन अ डाटा ट्रैक टू रोटेट अराउंड टू रीड राइट हेड, यानी रीड राइट हेड तक पहुंचने में, यानी डेटा को रीड राइट हेड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी कहते हैं, डिले। तो यूजर विल सम टाइम नोटिस द इफेक्ट ऑफ लेटेंसी। तो आप सम टाइम अगर कोई डबल क्लिक करते हो किसी डाटा पे तो लिखा हुआ आ जाता है प्लीज वेट या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वो जो थोड़ा सा टाइम लेता है वो इसलिए लेता है कि हार्ड डिस्क रिस्पॉन्ड नहीं करती थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ा सा सेकेंड टाइम होता है उसके अंदर। तो हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर जाहिर है डाटा डिलीट होता है, एडिट होता है, तो उसकी वजह से आपके सेक्टर्स फ्रेगमेंटेड भी हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइड भी हो जाते हैं। बस खत्म कर रहा हूँ। और फिर डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है सिचुएशन को हैंडल कर लेता है बाय टाइडिंग अप द डिस्क सेक्टर, यानी सफाई उसकी करके। अब उसके बाद और बाकी जो होता है, ऑल डाटा इन गिवन सेक्टर ऑन हार्ड डिस्क विल बी रीड इन ऑर्डर। तो फिर वो जो डाटा होता है हार्ड डिस्क सेक्टर के अंदर वो ऑर्डर में रीड होना शुरू हो जाता है। आप रिमूवेबल हार्ड ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हो, जो रिमूवेबल हार्ड ड्राइव पासपोर्ट्स को कहते हो ना, तो वो एक्सटर्नल कहलाती हैं और वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एसएसडी से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली कोशिश करेंगे इस वीक में इस चैप्टर को निपटा के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दें।